इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात फलस्तीन के जीत की करते हैं। यह जीत कोई मामूली नहीं है। दुनिया के उन तमाम दुश्मनों ने इस्लाम को यह पैगाम है कि ईमान की कुव्वत अगर साथ है तो तुम्हारे टैंक भी पत्थरों से शिकस्त खा सकते हैं। जहाँ दुनिया में एक तरफ जदीद तरीन असलबाजी का मुकाबला लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर तारीख को दोहराने की तस्वीर भी देखी जाती है। आप अगर फलस्तीन को देखें या अफगानिस्तान को, दोनों तरफ आपको मजलूम, बेबस, भूखे, गरीब मुल्क नजर आएंगे। और वैसे भी मुस्लिम ममालिक की बेहिसी को भी महसूस किया जा सकता है जो अमीर है। फलस्तीन की जीत और अफगानिस्तान से अमरीका का भाग जाना उस खुशखबरी की तरफ इशारा है कि तुम ही सर बुलंद रहोगे अगरचे के तुम मोमिन हो। इस्लाम गुरबत में ही परवान चढ़ता है। जदीद तरीन हथियारों से लैस अमेरिका को अफगानी खंडहरों में धूल चाटने पर वक्त की सुपर पावर को मजबूर करना, क्या यह वारदात तुम्हारे ईमान में इजाफा करने के लिए काफी नहीं है? और वैसे भी फलस्तीन की जीत भी यही पैगाम देती है। फलस्तीन पिछले तवील अरसे से तनहा लड़ रहा है। मुस्लिम ममालिक महज बयानबाजी के और कुछ नहीं कर पा रहे। इसराइल अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा था, कई बार ऐसे हमले किए और फलस्तीन की जगहों पर कब्जा करता रहा, पर अब तस्वीर बदलती जा रही है। फिर एक बार दुनिया देखेगी कि 313 का मंजर दोहराया जाएगा। फलस्तीन की जीत का जश्न दुनिया के तमाम मुसलमानों ने मनाया और खासकर गाजा के साथ पूरे फलस्तीन में मनाया जा रहा है। वैसे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। बेलगाम शहर में भी कई मुस्लिम इलाकों में इस जश्न को मनाया गया। इस बात का भी ताज्जुब होता है कि गाजा महज 40 किलोमीटर दायरे का है जहां हमास का इख्तदार है, और यही वो हमास है जिसने दुनिया के ताकतवर मुल्क इसराइल को शिकस्त दी है। इसकी और भी वजूहत है। इससे पहले भी इसराइल ने कई हमले किए और थोड़ी थोड़ी जगह पर कब्जा करता गया, अपना मकसद पूरा करता रहा। गाजा के इस 40 किलोमीटर के दायरे में 20 लाख से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। गाजा में इंतहाई गुर्बत है, पर इस्लामी जज्बे से सरोशार है। भले दुनिया कितनी ही साजिशें मुसलमानों के खिलाफ बना ले, पर इस्लाम जिंदाबाद था और रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोरोना के दौर में दुनिया की मईशत खतरे में आ चुकी है। अमेरिका खुद परेशान है। चाइना से कोरोना का वायरस तो निकला, पर अब दुनिया की सबसे तेज मईशत में अव्वल नंबर पर तो चाइना ही है। इस्लामी इनकलाब की सुबह जल्द होने वाली है। इसराइल अमेरिका वैसे भी इस्लाम दुश्मनी की साजिशों के जाल बुनते रहते, वही ईरान की हिमायत फलस्तीन को है। कहा यह भी जा रहा है कि हमास की जानिब से दागे गए जो 2000 रॉकेट अल कासिम ईरानी तंजीम ने ही मुहैया किए हैं, गाजा को पैसों की मदद कतार करता है। इसके बावजूद भी इनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, वहां पर मुफलिसी आज भी है। कहने का मतलब, अगर अमेरिका इसराइल की जानिब से हमास को दहशतगर्द तंजीम कहकर पाबंदियां भी लगा दी जाए तो फलस्तीन को कुछ हद तक इमदाद यहीं से होती है। लेकिन दुनिया का सबसे जदीद तरीन हथियार से लैस इसराइल के सामने महज ईमान की ताकत पर ही वो खड़ा हो सकता है। वहां छोटे छोटे बच्चों में भी शहादत का जज्बा देखा जाता है। माएं बच्चों को शहादत पर उभारती हैं, तभी तो टैंक का मुकाबला पत्थरों से किया जाता है। और यह तारीख रही है कि हमेशा मैदान जंग में हौसले लड़ते हैं। तभी तो एक शायर ने कहा कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। इस्लामी जंगें कभी तादाद की बुनियाद पर लड़ी नहीं गई। शहादत है मतलूब है मकसूद है मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर की चाही। ऐश परस्त दुनिया परस्त कौम में कभी इनकलाब बर्पा नहीं किया करती। एसी में बैठकर इबादतें और बिना खराश के इस्लाम जिस्म पर जख्म के बगैर वक्त की धारा को मोड़ना मुमकिन नहीं हो सकता। अगर हालात को बदलना है, जालिम की हुकूमतों के तख्त को पलटना है तो कुर्बानियां लाजिम है। घर में बैठकर कभी इनकलाब बर्पा नहीं हुआ करते। और वैसे भी दुनिया में बुजदिल कौमें जलील ही होती हैं, फिर बुजदिल मुसलमान ही क्यों ना हो। और यही पैगाम फलस्तीन और अफगानिस्तान ने दिया है। जब इसराइल फलस्तीन की जंग चल रही थी तो भारत में भी कुछ अंधभक्तों का इसराइल की हिमायत में खड़े होने का जज्बा जोश मार रहा था। फलस्तीन की जीत ने यही पैगाम दिया कि इसराइल के साथ खड़े हैं तो बैठ जाइए, कहीं ऑक्सीजन ना कम हो जाए। और उछाल उछाल कर फलस्तीन के विरोध में और यहूदियों की हिमायत में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड किए जा रहे थे, पर नेतन्याहू ने भारत का नाम ही नहीं लिया। और यह भक्त लोगों की जिल्लत का यह पहला वाक्या नहीं, यह बार बार जलील होते रहते हैं। खैर, एक बार फिर फलस्तीन की जीत के बाद इनका ऑक्सीजन लेवल गिरने की खबर हासिल हुई है। खैर, इतना तो जरूर है कि एक बार फिर दुनिया को यह पैगाम दिया गया कि मैदान में सिर्फ हौसले ही लड़ते हैं। भले तुम्हारे पास दुनिया के कितने ही बड़े जदीद तरीन हथियार क्यों ना हो, फलस्तीन का जश्न आज भी जारी है और इंशाल्लाह कल भी जारी रहेगा।
शायद इस कदर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा हो, अपनों को खोने का गम कम होता दिखाई नहीं दे रहा। मोबाइल की रिंग बजने लगती है तो दिल की धड़कनें भी तेज होने लगती है। अच्छी खबर तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सब कुछ तो बंद है, लॉकडाउन है, तो महज किसी के इंतकाल की ही खबर या तो फिर किसी के अस्पताल में जेर इलाज की खबर ही आ सकती है। ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, यह तो अब खबरें आम होती जा रही है। क्या जवान और क्या बूढ़ा, किसकी खबर क्या आ जाए कह नहीं सकते। लिहाजा आज उर्दू अदब की मशहूर शख्सियत जनाब आइन समत खानापुरी साहब के इंतकाल की खबर भी एक सदमे से कम नहीं रही। अगर यूं कहा जाए कि उर्दू अदब का एक दौर जनाब आइन समत खानापुरी के साथ चला गया तो गलत ना होगा। आखिर क्या क्या नहीं थे खानापुरी जनाब, शायर, अदीब, माहिर तालीम, सहाफी, मुसन्निफ, नशनिगार, मुसन्निफ, 6-7 किताबों के खालिक, महकूक, रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, नामनिगार, बेलगाम शहर के मानाज अदबी शख्सियत, बाशबान हाई स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर। बहरहाल आज इनका इंतकाल उम्र के 78 साल में हुआ। अंजुमन कब्रिस्तान में तदफीन के फराइज अंजाम दिए गए। उर्दू अदब की दुनिया में इनका नाम काफी मशहूर है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी बेंगलोर के समद खानापुरी साहब मेंबर भी रह चुके हैं। पहले शेर शायरी भी करते थे, पर 2000 में शायरी करना इन्होंने छोड़ दिया और किताबें लिखने लगे। इनकी मशहूर किताब बेलगाम तारीख के आईने में आज भी पढ़ी जाती है। बेलगाम एक्सप्रेस अखबार के बानी और मुदीर आला भी रह चुके हैं। 2003 में बाशबान हाई स्कूल से बतौर हेडमास्टर रिटायर्ड हुए। आज इनके इंतकाल पर शहर बेलगाम में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। आपका इंतकाल शहर बेलगाम के उर्दू अदबी हलके और मिल्लत का एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी मगफिरत फरमाए। आइन समत खानापुरी साहब को इनके उर्दू अदबी खिदमात के लिए हमेशा याद किया जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।